तो दोस्तों नमस्ते। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महा आंदोलन अभ्यर्थी कमेटी की तरफ से 21 मार्च 2018 को हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया था गलत प्रश्नों के बदले मार्क्स को लेकर के। इसी का हमने एक वोटिंग किया था। आप देख सकते हैं कि क्या बिहार टीईटी अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से जीत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इसके लिए आप देख सकते हैं कि 174 अभ्यर्थियों ने वोट किया है और सबसे ज्यादा जो वोटिंग किया गया है वो है जीत मिलना तय है। आप देख सकते हैं जीत मिलना तय है, 67% अभ्यर्थियों ने कहा है कि जीत मिलना तय है। साथ ही 22% अभ्यर्थियों ने कहा है कि जीत नहीं मिलेगी। साथ ही 11% अभ्यर्थियों ने कहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जीत मिलना तय है, जीत मिलेगी, गणेश कुमार जी का कहना है। साथ ही आप देख सकते हैं कि जीत मिलना तय है, स्टूडेंट के साथ न्याय तभी होगा जब जीत मिलेगी, संतोष सिंह जी का कहना है। साथ ही स्वाति कुमार जी का कहना है कि जीत मिलना तय है, दिस इज द राइट फॉर क्वालिफाइड बिहार टीईटी स्टूडेंट्स। साथ ही आप देख सकते हैं अजय कुमार गुप्ता जी का कहना है कि जीत मिलना तय है, जीत मिलनी चाहिए। साथ ही आप देख सकते हैं शंभू दास जी का कहना है कि जीत मिलना तय है, दिस इज द राइट ऑफ स्टूडेंट्स। साथ ही आप देख सकते हैं कि अभिनव कुमार सिंह जी का कहना है कि जीत मिलना तय है, जीत मिलना तय है। साथ ही आप देख सकते हैं ब्रजेश कुमार जी का भी यही कहना है कि जीत मिलेगा भाई लोग। साथ ही रश्मि शर्मा जी का कहना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, यह बिहार है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि फारूक अली जी का भी कहना है कि जीत मिलना तय है। साथ ही अंक यही कहना है कि जीत मिलना तय है। अरविंद जी का भी यही कहना है कि जीत मिलना तय है। और सत्य प्रकाश मिश्रा जी का कहना है कि बगैर टीईटी वाले नप सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। साथ ही आप देख सकते हैं रजनीश कुमार जी का भी कहना है कि ये डिपेंड करता है कि किस तरह से हमने कोर्ट में केस को रखा है, कोर्ट के सामने केस को रखा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से हमने केस को जो है कोर्ट के समक्ष रखे हैं या सामने रखा है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा जो वोट किया गया है टीईटी अभ्यर्थियों की तरफ से वो है 67% जीत मिलना तय है। आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों ने वोट किया है, 67% अभ्यर्थियों ने वोट किया है कि जीत मिलना तय है, और 22% अभ्यर्थियों ने कहा है जीत नहीं मिलेगी, और कुछ नहीं कहा जा सकता है 11% अभ्यर्थियों ने कहा है, और 174 अभ्यर्थियों ने इस वोटिंग में जो है हिस्सा लिया था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना।